अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी, तो ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग। फ्रेंड्स अभी आए हैं एक जगह पे, यहाँ पे इस्लामाबाद के कोई मॉन्यूमेंट नाम है, उसका भी आगे जाके देखते हैं कि कौन सी जगह। अभी जिस जगह आए हैं मुझे उसका नाम नहीं पता, क्योंकि अभी हम लोग नए नए लोग हैं ना शहर में, तो इसलिए हमें इतना खास नहीं पता, तो मैं अपने पापा से ही पूछ रही हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान मोनोमेंट। इंटर हो रहे हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कराची से बिल्कुल अलग सी जगह है, और ये पता नहीं क्या बना है, मैं पापा से पूछ रही हूँ कि फिर आप लोग को बताती रहूँगी। सो हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम, इंटर हो रहे हैं पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम, ये साइड है। फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री की टिकट ली और अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं अंदर। कायदे आज़म की गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे जग तक वो देखे कायदे आज़म बैठा है। पहले हम लोग नीचे जा रहे हैं, देख रही हो कि सारी चीज़ें नीचे ही, ऊपर सिर्फ मॉल टाइप कुछ चीज़ें बनी हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पहले ज़माने में हम लोग जो कुछ करते थे, जितने दौर चले हैं और जो हुआ है, उन सबको यहाँ पे एक तस्वीरों के तौर पर वाज़े ज़ाहिर किया है। ये जो पाकिस्तान जब नहीं था, उससे पहले की जो सल्तनत में लोग थे, तो ये सब उन्हीं के मुजस्मे बने हैं ताकि हम लोग उनका फिर से याद कर सकें, क्योंकि हमें तो नहीं पता। गंदारा इस्लाम से पहले फ्रेंड्स सबकी अलग अलग किस्म के मज़हब हुआ करते थे, तो ये उन्हीं के मुजस्मे सारे बने। और ये है मुग़ल बादशाहों का दौर, जिनकी हुकूमत चली थी हमारे मुल्कों में और बहुत सी जगहों में। अराइवल ऑफ इस्लाम इन द सब कंटिनेंट मोहम्मद बिन कासिम, जब मतलब एक मुसलमान आया था बादशाह, और ये उसी के अराइवल की बात हो रही है। ये सब चीज़ें मेरे पापा मुझे बता रहे हैं, तो मैं वही आप सबको डिस्क्राइब करती जा रही हूँ। लाहौर की बादशाही मस्जिद, मुग़ल पीरियड्स, यहाँ पे सब कुछ लिखा है फ्रेंड्स। और ये है हमारे सारे मुग़ल जैसे मुजस्मे बने, वो नहीं है लेकिन उनके जैसे सारे मुजस्मे बने। फ्रेंड्स यहाँ के लोग कह रहे कि ये है अनारकली, जिसका भी किस्सा बहुत मशहूर हुआ था सलीम के साथ, आप लोगों ने सुना होगा। मैंने ये पता नहीं कौन है वो, मैंने बहुत कुछ पूछा है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं अभी समझ में आ रही, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे है क्या, लेकिन बाद में पता चल गया। और फ्रेंड्स ये है पुराने ज़माने के सारे बर्तन, जो पिछले मतलब टाइम हुआ करते थे, अभी तो जाहिर सी बात है नई नई चीज़ें, लेकिन पहले लोग मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते थे। तहरीक आज़ादी, जब पहली जंग आज़ादी हुई थी मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में, तो ये उसी की तस्वीर थोड़ी सी यहाँ पे जाहिर की है, ताकि हम लोग भी देख सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने लोगों ने मुसलमानों के लिए, मुसलमान कौम के लिए अपनी जानें भी दी हैं। कुछ अंग्रेज़ भी थे जिन्होंने मतलब ये चाहा कि हम लोग मतलब नहीं हो सके अलग, ताकि ये हम पर हुकूमत कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सैयद अहमद खान, फ्रेंड आप लोगों ने इसका किस्सा तो सुना होगा, ये भी बहुत मतलब इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे पाकिस्तान की आज़ादी में। ये है सर सैयद अहमद खान, और इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, जिसकी यहाँ पे एक तस्वीर वाजे की है। फ्रेंड्स अल्लामा इकबाल देखना चाहते थे, फाइनली देख लिया, इन्होंने मुजस्मा बनाया, लेकिन ये बिल्कुल अल्लामा इकबाल की तरह ही लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्लामा इकबाल का मुजस्मा इन्होंने बनाया है अच्छे तरीके से, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने जो इतना सबसे बड़ा रोल तो उनका है, और कायदे आज़म का, तो उनकी पूरी एक जगह बनाई है उनके लिए, जिस तरह आप देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल का घर मतलब इकबाल हाउस सियालकोट, ये उनका पूरा घर इस तरीके से होता था फ्रेंड्स, इन्होंने इनके बारे में पढ़ा है शायद, फिर इन्होंने ये सब कुछ बनाया। और वो जो कबूतर है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल रियल लगने लग गए थे मुझे। मुझे इन सब की चीज़ों के बारे में जो जो मेरे अब्बू बता रहे हैं पापा, तो मैं वही आप लोग को डिस्क्राइब करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इतना नहीं पता था कि यहाँ पे असल में है क्या, लेकिन अभी पापा ने बताया, तो वो सब मैं आप लोग को बता रही हूँ। अल्लामा इकबाल के नवादरा, ये अल्लामा इकबाल का एक मकबरा है, जो बादशाही मस्जिद लाहौर में बादशाही मस्जिद के आगे बना है फ्रेंड्स, ये भी मेरे पापा ने भी बताया। अल्लामा इकबाल की पिक, जो अल्लामा इकबाल के सबसे मशहूर पोस्ट था, वैसे ही होते थे हमेशा, मैंने देखे बहुत जगह में, किताबों में भी पढ़ी है। और ये है पूरी उनकी फैमिली फ़ोटो, ये अल्लामा इकबाल को मैंने अभी देखा है, और ये ऊपर भी इनका पूरा सेटअप बना है।
ये है उनकी चेयर जो लोगों ने लाके पहले से म्यूजियम में रख दी ताकि उनकी यादें ताज़ा हो सके, और यह ये सब है उनकी डायरीज। अल्लामा इकबाल की ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली कुर्सियाँ यहाँ पे लिख कर, यहाँ पे भी उनकी डायरीज पढ़ी है सारी, ये लोगों ने रखी है ताकि हम उनको और भी याद कर सकें। और वो अल्लामा इकबाल का हुक्का जो ज़्यादा मशहूर था, इंक पॉट, यहाँ पे सारी उनकी चीज़ें रखी हैं, उनका फ़ैन, ये सब चीज़ें उनके मतलब जो खसूसी लोग थे तो उन्होंने ला के यहाँ पर रखी है ताकि हम भी उनकी यादों को ताज़ा कर सकें। विक्टोरियन टाइप सोफ़ा अल्लामा इकबाल के बीच जगह से निकल के फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जैसे निकल रही हूँ सब मुझे छोड़ के ही भाग रहे। फाइनली फ्रेंड्स, कायदे आज़म के जो नवादरात है अभी वो आ चुके हैं यहाँ पे, कायदे आज़म के नवादरात अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। ये सब कायदे आज़म की इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे लगे रखती, जिस तरह उधर अल्लामा इकबाल के थे तो यहाँ पे कायदे आज़म के हैं। और ये है चेयर्स उनके सोफ़े बल्कि, और ये है उनका टेबल, और यहाँ पे लिखा है स्मॉल साइड टेबल। ये इधर इस तरह जाना अलाउ नहीं है तो मैं इस तरह दूर सी देख रही हूँ। इस तरफ लिखा है कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल लेने वाला लकड़ी का संदूक, और वो उनकी सारी पिक्चर्स लगी हैं। ये कायदे आज़म की बुक शेल्फ है, और ये इनकी तस्वीर, और ये इस तरह से इनकी यहाँ पे भी तस्वीर लगी है। आई थिंक इसमें इनकी फैमिली फ़ोटो, ये फैमिली फ़ोटो ही है, और बाकी इनकी यूज़ में रहने वाली सारी पुरानी चीज़ें। ये उनका गार्डन टाइप का इन्होंने बनाया, और पीछे आई थिंक इनका घर यही है, और ये भी इन्होंने पूरा इस तरीके से लगाया है। करारदार लाहौर, ये भी मैंने पढ़ा है बहुत, मीनार पाकिस्तान। यहाँ पे करारदार पाकिस्तान की उन्होंने इस तरीके से एक पिक्चर लगाई है, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हो, यहाँ पे कायदे आज़म स्पीच कर रहे हैं। इनको तो आप जानते होंगे, ये है गांधी जिन्होंने इंडिया को आज़ाद किया है, मतलब इंडिया की ये भी एक बानी थे, जिस तरह हमारे कायदे आज़म वैसे ये इंडिया के थे, और ये हमारे कायदे आज़म। और ये पाकिस्तान का नक्शा बना है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली हम आज़ाद हो गए हैं, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और यहाँ पे उसी के मनाज़िर कुछ दिखाए गए हैं। ये वो है ना जिनका लिखा था कि पाकिस्तान की आज़ादी में जो मोहतरमाएँ थी उनका जो किरदार है, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। तो ये मोहतरमा फातिमा जिना, राणा लियाकत अली खान, इनकी तस्वीरें मैंने अभी देखी, मैंने सिर्फ बेगम फातिमा जिना को देखा था, बाकी इनकी तस्वीरें मैंने अभी देखी, बस मैंने इनके बारे में पढ़ा। ये है कुछ फ्रेंड्स, ये बंद हो रहा है तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, बस मैं आप लोग को दिखाती जा रही हूँ। बेगम फातिमा जिना और हमारे कायदे आज़म जो दोनों भाई बहन थे। यहाँ पे सारा देख लिया था, और अभी हम लोग डिसाइड किया जाएंगे ऊपर। ये कायदे आज़म की गाड़ी फ्रेंड्स, ये कायदे आज़म की गाड़ी है जो उनके इस्तेमाल में हुई थी, और ये उनका उनका क्या है मम्मा, उनकी सवारी, ये उनकी सवारी जो वो ज़्यादा यूज़ किया करती थी, सब ला के यहाँ पे रख दी है। और वहाँ पे उन दोनों के मुजस्मे भी हैं फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोग को ऊपर जाके दिखाती हूँ। नीचे जा रहे थे, नीचे गए के बंद हो गए, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ एंड का थोड़ा ही सूट किया, अभी जा रहे ऊपर। डिफेंस प्रोडक्शन, जब हमारे यहाँ पे वो योम दिफा हुआ था ना, तो ये उसी की सारी तस्वीर है। ये कायदे आज़म की दौर की कार है फ्रेंड्स, उस दौर में इतनी मार्शल अच्छी कार हुआ करती थी, द मर्सिडीज पुलमैन, और ये पूरा इसके बारे में लिखा है, और आई थिंक दूसरे साल उधर लिखा है, और इस वाली कार का नाम है रोल्स रॉय सिल्वर शेडो। अज़हर ज़ुबी के फन पार्लर यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये सारा बंद है, मैं अंदर से दिखाती हूँ। कॉर्नर, शहीद सैयद अली गिलानी कॉर्नर, और यहाँ पे सारी उनकी चीज़ें पड़ी हैं। फ्रेंड्स ये बंद होने वाला है तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे एक जगह है पाकिस्तान मोनूमेंट, वो भी सामने ही है, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोग का आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ। फ्रेंड्स वो देखिए, यहाँ पे भी जोकर बैठा है,
इनसे टाटा करूँगी। हेलो, ये है पूरा पाकिस्तान मोनोमेंट। यहाँ पे हमारे ग्रुप फोटोशूट की तैयारी चल रही है जो हारिस भाई लोग हमेशा क्लिक करते हैं। यहाँ से ना ये पूरा शहर दिखता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊपर है ना, तो यहाँ से पूरा शहर दिखता है। अभी हम लोग आगे जाने लगे क्योंकि हमें और भी जगह जाना है। ये सब कमी शलवार में आए क्योंकि आज हम लोग एक मस्जिद भी जा रहे हैं, तो इसलिए लोग कमी शलवार में जा रहे हैं। अभी नहीं बताएंगे। हाँ, इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।